हाय फ्रेंड्स, आज मैंने 1 kg क्रैब लाया है। देखिए क्रैब मीडियम साइज का क्रैब है ये। मैं आज इसका अच्छे से मसाला करूँगा। मेरे को 1 kg में 5 क्रैब मिला है। 2 तो छोटा छोटा है और 3 थोड़ा बड़ा है। इसका मैं आज मसाले बनाऊँगा। आप लोगों को ये क्रैब का मसाले अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी मैं ये क्रैब को अच्छे से साफ करूँगा। ऊपर का कवर सब निकालूंगा। देखिए ऐसा और मैं ये छोटा पाव नहीं डालूंगा। बड़े वाले 2 पाव होता है ना, ये डालूंगा। छोटा पाव मैं कट करके देखिए मैंने सब क्रैब को अच्छे से साफ किया है। इसका 2 पाँव भी मैंने कट करके सेपरेट कट करके रखा है। देखिए ये अभी मैं अच्छे से पानी से क्लीन करूँगा। देखिए मैंने अच्छे से पानी में क्लीन करके लाया हूँ। देखिए क्रैब मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप नारियल लिया है और बड़े साइज का 2 प्याज कट करके रखा है और 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/2 कप जीरा और थोड़ा सा मेथी और इसमें 20 लाल मिर्ची है। ये सब मैं अच्छे से तेल डाल के फ्राई करूँगा। अभी देखिए मैंने एक तवे पे थोड़ा सा तेल डाला है, मतलब छोटा चम्मच में 1 चम्मच मैंने नारियल तेल डाला है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अभी मैं ये सब मसाला है ना, कॉर्नफ्लोर, जीरा, मेथी और लाल मिर्ची, ये सब मैं इसमें डालूँगा। कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगा। देखिए इस मसालों को मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई किया है। अभी मैं इसको निकालूंगा। निकाल के दूसरा एक प्लेट में डालूंगा। देखिए मैंने फिर से वही तवा चूल्हे के ऊपर रखा है और उसमें मैंने कट किया हुआ 2 प्याज में डालूंगा। इस प्याज के साथ मैं नारियल रेडी करके रखा था ना, ये भी एक ही साथ में फ्राई करूँगा अच्छे से। इसको भी मैं थोड़ा सा तेल डालूँगा। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ नारियल तेल। आप लोगों के पास कौन सा तेल है उस तेल से आप लोग नारियल भी फ्राई कर सकते हैं। प्याज और नारियल कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये नारियल और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। इतना कलर चेंज हो के फ्राई हो गया तो काफ़ी है। अभी मैं इसको निकालूंगा। निकाल के मैंने स्टार्टिंग पे मसाला सब फ्राई करके रखा था ना एक प्लेट में, वही प्लेट में मैं डालूंगा। और ये ठंडे होने के बाद अच्छे से पीस के लाऊंगा मैं। देखिए मसाले सब ठंडा हो गया। अभी मैं इस पत्थर में अच्छे से पीसूंगा। मसाले सब इसमें डालूंगा पत्थर में। पीसने से पहले तो पत्थर में डालना पड़ेगा ना। थोड़ा सा पानी डालूंगा और अच्छे से पीसूंगा। अच्छे से मतलब बहुत नाइस करके पीसने का ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितना पीसना है करके।
देखिए मैंने मसाला सब अच्छे से पीसा है, इतना पीसना चाहिए, देखिए इतना पीसेगा तो काफ़ी है। अभी मैं निकालूंगा, इसको निकाल के एक प्लेट में डालूंगा। देखिए पत्थर में सब मसाला निकालने के बाद भी थोड़ा चिपक के रहता है, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं पत्थर अच्छे से धो दूँगा। मैंने एक बर्तन रखा है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैं देखिए छोटा कप में एक कप नारियल तेल डाल रहा हूँ। तेल थोड़ा सा गर्म होने दे। तेल गर्म होने के बाद मैंने 8 लहसुन लिया है। देखिए इसका ऊपर का स्किन सब निकाला है मैंने, ये डालूँगा। लहसुन डालने के बाद मैंने 2 कड़ी पत्ता लिया है। देखिए ये भी डालूंगा, थोड़ा कड़ी पत्ता क्रिस्पी होने दे। डाले हुए लहसुन और कड़ी पत्ता अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक प्याज और 2 छोटे छोटे टमाटर इसमें डाल रहा हूँ। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगा, डाल के थोड़ा सा मिक्स करूंगा। सब मिक्स करने के बाद मैं ये क्रैब पानी में धो के लाया था ना, ये इसमें डालूंगा। और अच्छे से मिक्स करूंगा मैं। मैंने अच्छे से मिक्स किया ना, अभी मैं कम से कम 6 से 7 मिनट अच्छे से पकाऊंगा। पकाने से पहले ढक्कन ढकूंगा, ये धीमी आग में पकना चाहिए क्रैब। छः से सात मिनट पकना चाहिए। देखिए मैंने क्रैब पकाने को रख के 6-7 मिनट तो हो गया। देखिए धीमी आग में पकाने को रखा था मैंने, अच्छा लगेगा धीमी आग में पकाया गया तो। अभी मैं पीसे हुए मसाला डालूंगा इसको। मसाला डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूंगा। मैं पानी नहीं डालूंगा, मैं मसाले से ही इसको पकाऊंगा। तो अभी मैं फिर से 5 मिनट पकाऊंगा। 5 मिनट तक ढक्कन ढक के रखूंगा, अच्छे से पकने दिए। देखिए अच्छे से पकाया मैंने मसाले डालने के बाद क्रैब मसाले के साथ। तो देखिए अच्छा सा बन गया है। और देखिए
अच्छे से सूखा है। देखिए मसाला मसाला जैसा बन गया है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए क्रैब मसाला तो रेडी हो गया, अभी मैं थोड़ा सा ठंडे होने के बाद खाता हूँ। क्रैब मसाला तो रेडी हो गया, कितना अच्छा बन गया है। कलर देखिए इसका, मैं अभी और एक प्लेट को डालूंगा इसको खाने के लिए। क्रैब मसाला तो कितना अच्छा सा बन गया है, बहुत ही टेस्टी बन गया है। क्रैब मसाला तो रेडी हो गया, इसका स्मेल से लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी बन गया है। आप लोगों को मैं खाकर भी बताऊंगा कैसे बन गया करके। बहुत ही टेस्टी बन गया है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।